ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, हाय गाइस, माय नेम इज मनमय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके वेट, सो गाइस, जो अपने स्टार्टिंग में देखा था वो कुछ इफेक्ट नहीं था, उसे बोलते कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग मींस क्या होता है देखिए। कलर ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज फॉर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। तो गाइस, आपने देखा होगा कलर ग्रेडिंग क्या होता है। नहीं, आपको अगर जानना है कि मैं कलर ग्रेडिंग कैसे करता हूँ तो मैं प्रीमियर पे कलर ग्रेडिंग करता हूँ, वो भी इस प्रीमियर पे। सो आप इसमें देख सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल, तो इसका ट्यूटोरियल वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वीडियो लिया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर मैंने एडजस्टमेंट लेयर लिया है। अगर एडजस्टमेंट लेयर कहाँ से लेना है आपको पता नहीं, सबसे पहले आपको जाना है प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट से जाके न्यू आइटम्स में जाना है। यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगा। फिर देखते कि सो कलर ग्रेडिंग कैसे करके आप देख सकते हैं। मैंने एडजस्टमेंट लेयर को भी बंद करता हूँ, इफेक्ट में मतलब मैंने अभी तक कोई कलर ग्रेडिंग नहीं किया है, तो अभी चलिए कलर ग्रेडिंग करते हैं। एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करके आपको जाना है लोमेट्री कलर पर। वहाँ पे आपको जाना है क्रिएटिव में। क्रिएटिव में यहाँ पे लुक में जाके आपको नीचे स्क्रॉल करना है, वहाँ पे एस एल न्यूट्रल स्टार्ट आएगा। आप चेंजेस देख सकते हैं। सो गाइस, अभी हमें जाना है बेसिक करेक्शन में, और थोड़ा टेम्परेचर नेगेटिव करना है, थोड़ा ब्लूश में जाना है। देखिए थोड़ा आ गए, इसको सेचुरेशन थोड़ा बढ़ाते हैं, तो भी आप देख सकते हैं कि क्या फर्क आया है। ये देखिए थोड़ा फर्क आया है। तो अभी हमें इस येलो को, इस पिंक को थोड़ा बढ़ाना है, तो हमें जाना है पहले कर्व में। कर्व में जाके यहाँ पे इस येलो में सिलेक्ट करता हूँ, तो देख सकते हैं मेरा येलो कलर और वार्म कलर है, इसकी वजह से इधर भी कलर थोड़ा चेंजेस हो रहा है। येलो कलर थोड़ा बढ़ गया है, करते पिंक कलर को। ये आप देख सकते हो पिंक कलर हो रहा है। तो अभी हम थोड़ा और सेटिंग्स करते हैं कम में। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको फेडेड फिल्म देना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो थोड़ा लुक अलग आता है। उसके बाद वाइब्रेंस देते हुए हाँ बस, उसके बाद बेसिक करेक्शन अपन करते हैं। मैंने जैसे किया वैसा करने की जरूरत नहीं, आप अपने फुटेज के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको फर्क देखना है तो ये देखिए, ये बिफोर है या आफ्टर है, बिफोर आफ्टर, तो ऐसे कलर ग्रेडिंग की जाती है। पूरे वीडियो में हर एक चीज़ को कलर ग्रेड किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।